हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज एक बार फिर से आपके सामने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.1 के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। बोर्ड पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। देखिए 2, 3, 4, 1 पहला पेयर ऑफ पॉइंट्स है, सेकंड पेयर ऑफ पॉइंट्स है -5 और 7 एंड -1, 3, थर्ड पेयर ऑफ पॉइंट्स है ए बी एंड -a, -b। इन सब का डिस्टेंस निकालने के लिए आप डिस्टेंस फार्मूला यूज करो। तो लेट मी स्टार्ट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1 में भी 3 पार्ट है। फर्स्ट, जहां आप मान लीजिए कि लेट पॉइंट्स ए 2, 3 है और बी 4, 1 है। यहां से x1, y1, y1, 3 है, x2, 4, y2, 1। तो डिस्टेंस फार्मूला यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो यह कहता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो है वह डिस्टेंस देता है। यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, 4 - 2 पर होल स्क्वायर प्लस 1 - 3 पर होल स्क्वायर। 4 - 2, 2 का होल स्क्वायर 4 और ये 1 - 3, तो 2, 2 का होल स्क्वायर 4, यानी √8 यूनिट्स हो गया। सिमिलर वे में सेकंड नंबर देखिए, इसमें भी आप मान लीजिए 2 पॉइंट्स को लेट ए जो है वह है -5, 7, -1, 3 -5, 7 एंड बी है -1 एंड 3। तो ए बी यहां से क्या हो जाएगा, √-1 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 होल स्क्वायर। सेम फार्मूला यूज किया और ये 4 का स्क्वायर और ये +-4 का स्क्वायर, ये दोनों 16 + 16 यानी √32। आप इसको 16 2 जा यानी 4√2, इसको भी आप ले सकते हैं 2√2। ओके, अगेन आप देखिए लास्ट नंबर थर्ड है। लेट ए को आप मानो ए बी एंड बी को मानो -a - b। तो हेयर x1 आया ए, y1 बी, x2 - a, y2 - b। अब यहां से देखिए ए बी क्या आएगा, √(x2 - x1) पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। यहां से x2 - a - a होल स्क्वायर प्लस -b - b होल स्क्वायर, यानी ये कुल मिला के -2a का होल स्क्वायर 4a² हो जाएगा और ये -b - b - 2b का होल स्क्वायर यानी 4b². ओके, अब यहां से देखिए क्या हो जाएगा, 4 कॉमन और a² + b² जो है ब्रैकेट में रख दीजिए, तो 4 का √2 और √ के अंदर में आ जाएगा a² + b². ओके, तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन फिनिश्ड किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है,
कि डिस्टेंस बिटवीन जो पॉइंट्स है यहाँ ये ए मानिए और ये बी मानिए, ओके। टू नंबर के लिए आप मानिए लेट ए जो है वह जीरो जीरो है एंड बी जो है वह 36 और 15 है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से आप यहां पर ए बी निकालिए यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। तो यहां आएगा ए बी क्या आ जाएगा, रूट अंडर इसके एक्स में से इसके एक्स को माइनस करिए, 36 माइनस जीरो होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस जीरो होल स्क्वायर, यानी ये हो गया 36 का स्क्वायर 1296 प्लस 225, तो 1 9 2 11, 11 1 12 का 2 और 2 2 4 15, ये स्क्वायर रूट जो है 39 हो जाएगा, ठीक है, ओके। इतना यूनिट्स। अब देखिए क्या है, कहता है ये ए जो है ना ये एक टाउन है, इसमें बी है दूसरा। अब ए बी के बीच का डिस्टेंस तो देखिए ए के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, हेयर ए रिप्रेजेंट करेगा 36 किलोमीटर एंड जीरो, और बी रिप्रेजेंट करेगा क्या, जीरो और 15 किलोमीटर। तो अब यहां से ए बी देखिए निकालना है तो क्या हो जाएगा, 36 माइनस जीरो जीरो, ओके स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस ये तो 13 माइनस जीरो तो ये 0 माइनस 15, ओके 0 माइनस 1 डायरेक्शन में ही लेकर चलना है, 0 माइनस 15 किलोमीटर होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर किलोमीटर स्क्वायर। यहां से आप जो है इतना माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी 1296 किलोमीटर स्क्वायर प्लस 225 किलोमीटर स्क्वायर, यानी सेम आ गया सम 1521 किलोमीटर स्क्वायर यानी 39 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स क्या आ गया, डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स टाउन्स ए और बी ए एंड बी ये आ गया 39 किलोमीटर, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 विद सॉल्यूशन कंप्लीटेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1523 एंड -2 -11 आर कॉलिनियर। कॉलिनियर के लिए आप क्या करोगे, बताया है मैंने कि तीन डिस्टेंस आप फाइंड करोगे, तीनों पॉइंट्स को ए बी सी से डिनोट कर दो, लेट ए को आप 15 पॉइंट बी को 23 एंड पॉइंट सी को -2 -11। अब यहां क्या है कि हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करके ए बी बी सी और सी ए फाइंड आउट करना है, फिर अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू सी ए आ गया या ए बी प्लस सी ए इक्वल टू बी सी आ गया, तो यानी दो साइड का सम अगर तीसरे साइड के इक्वल आ गया तो ए बी सी कॉलिनियर, यानी थ्री पॉइंट्स जो है कॉलिनियर होगा, यानी ये थ्री पॉइंट्स जो है एक स्ट्रेट लाइन पर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी फाइंड करते हैं, मीन्स 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -5 का होल स्क्वायर, ये 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 3 में से 5 गया 2 का होल स्क्वायर 4, ये आ गया रूट 5। अगेन बी सी फाइंड आउट करेंगे तो बी सी मीन्स -2 -2 यानी -4 होल स्क्वायर प्लस -11 -3, तो ये आएगा आपका -4 का होल स्क्वायर 16 और प्लस ये -14 का होल स्क्वायर 196, ये हो गया
12 और ये हो गया 9 1 10 1 11 1 1 2 ये आ गया कितना 4 से आप करोगे तो 53 यानी 2√53 अगेन CA का मतलब हो गया -2 -1 -2 -1 होल स्क्वायर प्लस -11 -5 होल स्क्वायर तो ये आएगा आपका -3 होल स्क्वायर यानी 9 और ये 16 और जिसका होता है 196 यानी कितना हो गया 502 256 ओके तो इस तरह से आपने क्या देखा कि ये रूट 5 आया ये 2√53 आया ये √265 आया यहां पर तो आपको ना AB प्लस BC का सम इक्वल आता है CA ना आप देखिए AB प्लस CA को आप BC के इक्वल कर सकते हैं और ना BC प्लस CA मतलब कोई भी दो का सम जो है ना BC प्लस CA इक्वल AB आता है hence it is clear it is clear A yani 1 5 B yani 2 3 and C -2 -11 are not collinear okay इस तरह से ये complete हो गया question number 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चेक कीजिए वेदर 5 -2 1 पॉइंट है 6 4 दूसरा पॉइंट है और 7 -2 ये तीसरा पॉइंट है इनके जो वर्टिसेस ये जो वर्टिसेस अगर होंगे तो किसी आइसोसेलस ट्रायंगल के होंगे तो इसके लिए आप जो है तीनों पॉइंट को लेट ए मान लीजिए 5 -2 बी मान लीजिए 6 4 और सी मान लीजिए 7 -2 अब यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला यहां से 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप ए बी फिर बी सी फिर सी ए डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे अगर किसी दो का इक्वल अगर लेंथ आ जाता है यूनिट्स इक्वल आ जाता है ए बी फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी देखिए ए बी यानी 6 -5 होल स्क्वायर प्लस 4 और --+2 होल स्क्वायर तो ये आ गया 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस 4 टू 6 6 का स्क्वायर 36 यानी √37 अगेन बीसी फाइंड आउट करेंगे तो बीसी क्या आता है देखिए बीसी 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर तो ये भी आपका 1 का होल स्क्वायर 1 और प्लस ये दोनों -2 -4 -6 का होल स्क्वायर 36 वो आपने यहीं पर देखा कि ये दोनों ए बी और बी सी ये क्लियर हो गया कि इक्वल है ए बी इक्वल टू बी सी तो आप इस आधार पर कह सकते हो कि जो पॉइंट्स है पॉइंट्स 5 -2 6 4 एंड 7 -2 यह आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशंस किस तरह से आप बनाओगे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए पॉइंट ए बी सी डी देखिए ग्राफ में बना हुआ ए बी सी डी है फ्रेंड्स के पोजीशन है और कहता है चंपा और चमेली वॉक्स इनटू द क्लासरूम आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स
ये क्लासरूम का सीन है, क्लासरूम में जब ऑब्जर्व किया जाता है तो चंपा कहती है, पूछती है चमेली को कि डोंट यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर, क्या तुमको ऐसा मालूम नहीं पड़ता चमेली कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर फॉर्म में बैठा हुआ है, स्क्वायर फॉर्म का अरेंजमेंट है। तो चमेली कहती है नहीं, डिसएग्रीज कर जाती है। तो आपको बताना है डिस्टेंस फॉर्मूला से कि कौन सही है, विच ऑफ देम आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप एबीसीडी का जो है वह कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी सी एंड डी आर, देखिए ए का कोऑर्डिनेट एक्स थ्री और वाई फोर तो थ्री फोर, बी का देखिए बी का सिक्स एंड सेवन, ओके सिक्स एंड सेवन, इसी तरह से सी का नाइन एंड फोर, नाइन एंड फोर, और डी का देखिए सिक्स एंड वन। अब आपको स्क्वायर जानने के लिए मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स की, अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए हो और ए सी इक्वल टू बी डी हो, डायगोनल इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला ओके, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का वैल्यू फाइंड किया, ए बी मीन्स सिक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर प्लस सेवन माइनस फोर होल स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर नाइन प्लस थ्री स्क्वायर नाइन तो नाइन नाइन रूट एटीन, ओके सिक्स माइनस थ्री थ्री स्क्वायर सेवन माइनस फोर थ्री और नाइन नाइन एटीन। चलिए बी सी, तो बी सी के लिए नाइन माइनस सिक्स, नाइन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस सेवन होल स्क्वायर, ये देखिए ये भी थ्री स्क्वायर नाइन और माइनस थ्री स्क्वायर नाइन, ये भी रूट अंडर एटीन आ गया। फिर सी डी, तो सी डी मीन्स हो गया सिक्स माइनस नाइन, सिक्स माइनस नाइन होल स्क्वायर ओके प्लस वन माइनस फोर होल स्क्वायर, दैट मीन्स ये भी थ्री का स्क्वायर और ये भी थ्री, ये माइनस थ्री का स्क्वायर तो नाइन प्लस नाइन, ये भी रूट के अंदर एटीन। अब डी ए, तो डी ए मीन्स हो गया देखिए डी ए, डी ए दैट मीन्स थ्री माइनस सिक्स, थ्री माइनस सिक्स होल स्क्वायर प्लस ओके फोर माइनस वन होल स्क्वायर तो ये भी थ्री स्क्वायर नाइन प्लस नाइन, ये भी रूट एटीन आ गया। अब ए सी, तो देखिए ए सी का क्या आ रहा है, ए और सी दैट मीन्स नाइन माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर होल स्क्वायर यानी थ्री स्क्वायर नाइन ओके और ये जीरो, दैट मीन्स ये थ्री आ गया। अगेन बी डी, तो बी डी मीन्स सिक्स माइनस सिक्स, ये आ गया बी डी, बी डी सिक्स माइनस सिक्स प्लस ओके वन माइनस सेवन, दैट मीन्स सिक्स थर्टी सिक्स, ये आ गया सिक्स ओके। तो ए सी आ गया आपका ए सी नाइन और वन ओके, डी का क्या आ जाएगा, डी का आना था सिक्स और वन ओके, और ए का आना था थ्री और फोर, बी का सिक्स और सेवन और सी का नाइन और फोर। अब देखिए मैंने ए सी जो फाइंड आउट किया, ए सी नाइन माइनस थ्री तो नाइन माइनस थ्री सिक्स का होल स्क्वायर ओके, नाइन माइनस थ्री सिक्स का होल स्क्वायर थर्टी सिक्स, ये भी थर्टी सिक्स है जो यहां सिक्स दे रहा है ओके।
और ये जीरो का होल स्क्वायर जीरो, ये सिक्स का होल स्क्वायर। आपने क्या देखा, हेयर ए बी आया, बी सी के इक्वल आया, सी ए सी डी इक्वल डी ए, ऑल्सो ए सी इक्वल बी डी। देयरफॉर ए बी सी डी किस फॉर्म में है, ए बी सी डी जो है वह स्क्वायर के फॉर्म में है। ओके, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, सो विच ऑफ देम इज करेक्ट, दैट मीन्स चंपा, चंपा इज करेक्ट, नॉट चमेली, चमेली डिसएग्री कर गया, सो चंपा इज करेक्ट। सो यू हैव सीन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 करता है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल चार पॉइंट्स को आप नॉन कॉलिनियर को मिलाने से कंसेक्यूटिवली बनते हैं। यहाँ भी हर एक क्वेश्चन में देखिए तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दिए हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। आपको बताना है टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जैसा कि आप जानते हैं उसके प्रॉपर्टीज को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, तो सॉल्यूशन ऑफ वन, जैसा कि आप देख रहे हो कि फोर पॉइंट्स है, तो लेट ए मान लो आप -1, -2, बी मान लो 1, 0, सी मान लो -1, 2 और डी मान लो -3, 0। आपको ए बी बी सी सी डी डी एफ और ए सी और बी डी, ये 6 डिस्टेंस निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी मीन्स हो गया 1 + 1, ओके, और 0 + 2, आपने देखा 2 स्क्वायर 4, यानी 4 + 4 रूट के अंदर 1। अब बी सी देखिए, बी सी यानी -1 - 1 + 2 - 0, ये -2 होल स्क्वायर 4 + 4, यानी ये भी रूट 1 बी सी के बाद। ओके, बी सी आपने देख लिया, अब बी सी के बाद सी डी, तो सी डी, सी डी मीन्स देखिए सी डी डी -3 - 1 - 1 + और 0 - 2 होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये -1 - 1 और 2 - 0, ओके सॉरी -3 और +1, यस 0 - 2, यस करेक्ट। तो ये -2 होल स्क्वायर 4 + 4, यानी ये 8 आ गया रूट के अंदर। फिर अब डी ए, डी ए देखिए, डी ए -1 + 3, ओके होल स्क्वायर और -2 + 0 होल स्क्वायर, यहां से भी वही आ रहा, 3 में 1 गया 2 होल स्क्वायर 4 और +4, यानी आपने देखा कि ये सारे ए बी बी सी सी डी डी। अब ए सी आप फाइंड आउट करो, तो ए सी, ए सी दैट मीन्स -1 + 1 होल स्क्वायर + 2 + 2, ओके होल स्क्वायर, यानी ये 0 और ये 2 to 4 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 4। और बी डी, चलिए बी डी, बी डी दैट मीन्स -3 - 1 होल स्क्वायर + 0 - 0 होल स्क्वायर, दैट मीन्स -, ओके -4 होल स्क्वायर, तो +4। हेयर आपने क्या देखा कि ऑल फोर साइड्स ए बी बी सी सी डी डी ए ये इक्वल है अलॉन्ग विथ ए सी और बी डी इक्वल है, सो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ए बी सी डी जो है यह इज ए स्क्वायर। क्वाड्रिलेटरल का टाइप कैसा हो गया, ये स्क्वायर का टाइप हो गया। सिमिलरली मैं सेकेंड की तरफ देखता हूं, इसमें आप लेट ए -3, 5 सेम हुए, बी
C 03 और D minus 1 और minus 4. सेम वे में आप क्या करो, ये ABBC CDD और फिर ACBD. तो यहां से डिस्टेंस फार्मूला AB के लिए पहले यानी 3 plus 3 और 1 minus 5 36 और ये हो गया 4 का स्क्वायर. तो 4 का स्क्वायर 16 ये आ गया. ओके, ये 4 2 root 13. AB के बाद BC देखिए, BC कितना आएगा, BC that means आ जाएगा 0 minus 3 पर whole square plus 3 minus 1 whole square जो आएगा 3 square 9 plus 2 square 4 यानी ये only 13. just BC के बाद CD आता है, CD number में आएगा तो क्या आएगा, minus 1 minus 0 और minus 4 minus 3 ये आ गया 1 plus 49 यानी ये आ गया 50 का रूट, तो कितना आ गया 5 root 2. ओके, और DA मींस देखिए, DA minus 3 plus 1 whole square plus minus 4 minus 5 whole square. ये देखिए minus 2 का whole square, तो minus 2 यानी 4 और plus ये 9 9 81 यानी root 85. ओके, आपने क्या देखा, यहाँ कोई भी साइड इक्वल नहीं है, so it is not a type of parallelogram. ओके, ये आ गया 2 root 30, ये root 30, ये 5 root 2. ओके, so it is not any type of quadrilateral. Next देखते हैं third number के लिए क्या है. अब यहाँ भी 4 vertices, 4 points, 4 coordinates दिया है. आप A B C D मान लो, let A 4 5, B 7 6, C 4 3 and D आ गया 1 2. अब डिस्टेंस फार्मूला AB के लिए, AB यानी 7 minus 4 पर whole square and 6 minus 5 whole square. तो 7 minus 4 3, 3 का whole square root 9 plus 6 में 5 1, तो ये root 10. Again BC means 4 minus 7 whole square plus 3 minus 6 whole square. ये आ गया 4 में 7 तो 3 का होल स्क्वायर 9 और यहां 3 में से 6 गया 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 18. ओके, CD के लिए देखिए, CD दैट मींस 1 minus 4 होल स्क्वायर प्लस 2 minus 3 होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा 3 का 9 और प्लस 1 यानी ये root 10. फिर देखिए CD के बाद DA, देखते हैं DA क्या है. तो DA आया आपका 4 minus 1 whole square plus 5 minus 2 whole square. 4 minus 1 यानी 3 square 9 plus 5 minus 2 3 square 9 यानी root 18. अगेन AC और BD फाइंड आउट करना है, तो AC A और C, that means 4 minus 4 plus 3 minus 5, ये 0, 3 में 5 गया 2, okay, 3 में 5, 2, 2 का whole square, यानि 4 का 2, और BD, okay, तो BD means 1 minus 7 whole square plus 2 minus 6 whole square. यह आया कितना, 1 में से 7 गया तो 6 36 और 2 में 6 तो 4 4 4 जा 16. तो इस तरह से आपने देखा क्या कि है
ए बी इक्वल टू क्या है, ए बी इक्वल टू सी डी, ओके, एंड ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, जो रूट 18 है और ये रूट 10 है, बट ए सी, बट ए सी नॉट इक्वल टू बी डी है, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्क्वायर है, सेकेंड जो है वो टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ रहा है, कोई भी स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल में नहीं आ रहा है, और ये थर्ड जो है वह एक पैरेललोग्राम है, ओके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट एक्स 0, अगर वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा तो 0 वाई, ये ध्यान रखना है। और जो टू पॉइंट्स है, ये 2-5 और -2-9, वो इक्विडिस्टेंट पर, तो हम लेट करते हैं, लेट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स 0 ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट है, इक्विडिस्टेंट मैंने बराबर दूरी फ्रॉम, हमने पॉइंट लिया ए 2-5 एंड बी -2-9, तो यहां से क्या मिलेगा, देन पी का डिस्टेंस ए से इक्वल टू पी का डिस्टेंस बी से, दैट मीन्स पी ए का स्क्वायर पी बी के स्क्वायर के। अब यहां से देखिए कि पी ए स्क्वायर, ओके, पी ए दैट मीन्स 2-x होल स्क्वायर प्लस -5-0 होल स्क्वायर इक्वल टू पी बी, पी बी दैट मीन्स -2-x होल स्क्वायर, ओके, और 9-0 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 9 प्लस -2ab, 2 2 4x प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस 25, ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर जैसा, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 9 9 81, यहां से कैंसिल होगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और 4x को फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ले आएंगे, और ये 29 जो उधर जाएगा -29, ये आ गया 85, ये -8x, ये 15 में 9 गया 6, 7 में 2 गया 5, ओके, तो x आ गया कितना, ओके, 56 बाय -8 जो -7 आ गया। आपने क्या देखा कि x का वैल्यू है -7, हेंस जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट जिसको हमने p माना, जिसका कोऑर्डिनेट x 0 था, -7 0, ओके, दिस इज द आंसर, रिक्वायर्ड पॉइंट इज p इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहता है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ, दैट मीन्स y के एक से ज्यादा वैल्यूज है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड दिस वन इज इतना, दैट मीन्स pq इज गिवन 10, दैट मीन्स pq स्क्वायर इज गिवन 100, 10 स्क्वायर, और pq स्क्वायर मीन्स देखिए 10-2, ओके, डिस्टेंस फार्मूला, कोई नया स्पेशल फार्मूला नहीं है, और y प्लस 3 होल स्क्वायर 100, यहां से 8 का होल स्क्वायर 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 -100, ये 0 आ गया, यहां से y स्क्वायर प्लस 6y और ये -100
plus 73 0. ये y square plus 6y और minus 27. यहां से ये आपका आ जाएगा y square plus 9y minus 3y minus 27 0. y common लीजिए y plus 9 and minus 3 y plus 9. तो यहां से आपको आएगा y minus 3 y plus 9 0. यहां बताया गया है कि the values of y. तो if y minus 3 0 है, तो y का एक value 3 आया. और if y plus 9 0 है, तो एक value दूसरा value. Hence, values of y आर क्या क्या आया? 3 and minus 9. So students, just you have seen the solution of question number 7 and 8. Students, question number 9 है. If Q01 is equidistant from P point 5 minus 3 and R F6, find the value of X. Also find PR and QR. Okay students, first of all हमको X का value find करना है. Given है, okay, PQ QP equal to RQ. Okay, that means क्या हो गया? PQ square equal to QR square. अब PQ square means देखिए, okay, PQ, that means 0 minus 5 plus minus 3 minus 1 whole square is equal to QR. QR, that means X minus 0 whole square plus 6 minus 1 whole square. ये देखिए 5 का whole square, ये भी 5 का whole square. Cancel X square equal to a minus 4 का whole square यानि 16. तो x square equal to plus minus 4 whole square. तो यहां x का value plus minus 4 आ, यानि x के दो value आ. अब हमारे पास है कि if value x का find हो गया, that is the first answer. अब PR, तो if अगर x का value 4 लेते हैं, तो देन क्या हो जाएगा? देन R हो जाएगा 4, 6. ओके? अब PR. PR, that means under root. ओके? And P क्या है? P देखिए है आपका 5 minus 3. तो PR देखिए, PR. PR, that means 4 minus 5 whole square plus 6 plus 3 whole square, यानि 1 plus 81, ये 82, and the QR also, QR भी find out करना है, QR, so that means Q क्या है देखे, और Q क्या आएगा, Q देखे यहां कितना है, 01, तो यही से QR देखे, QR that means 0 minus 4, okay, QR, 4 minus 0 plus 1 minus 6 whole square. 4, 4 जा 16 और यह आ गया 25. तो कितने आ गए? Root under 41. अब देखिए, if x minus 4 है, then r क्या हो जाएगा? Minus 4, 6. P है हमारे पास 5 minus 3 और Q 01, तो हमारे पास PR क्या आएगा? PR is equal to, okay, PR minus under root minus 4 minus 5 whole square plus 6 plus 3 whole square, 81 plus 81, okay, तो 2 into 81, that means 9 root 2.
और क्यू आर, क्यू आर देखिए, तो यहां से क्यू आर आएगा क्यू आर, दैट मीन्स माइनस फोर माइनस जीरो प्लस ओके सिक्स माइनस वन, ये कितना आ गया, ये आ गया सिक्सटीन, और प्लस सिक्स माइनस वन ट्वेंटी फाइव, दैट मीन्स ये फोर्टी वन। तो आपने क्या देखा, इफ एक्स इक्वल टू ओके फोर देन पी आर इक्वल टू रूट एटी टू एंड क्यू आर, पी आर एंड क्यू आर फाइंड करना था और क्यू आर आपके पास क्या आया, रूट अंडर फोर्टी वन। और इफ एक्स माइनस फोर आया देन क्या आ गया, पी आर इज इक्वल टू देखिए नाइन रूट टू एंड क्यू आर आया रूट अंडर फोर्टी वन। ओके नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज द लास्ट ऑफ द एक्सरसाइज क्वेश्चन, कहता है फाइंड ए रिलेशन, एक्स वाई का रिलेशन, पॉइंट एक्स वाई, सॉरी पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट एक्स वाई है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स। तो आप मान लो लेट ओके पी जिनके एक्स वाई के कोऑर्डिनेट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ओके पॉइंट्स, पॉइंट्स ए थ्री सिक्स एंड बी माइनस थ्री फोर, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी बी, यानी पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर, पी ए स्क्वायर यानी पी ए स्क्वायर यानी थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस सिक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, और पी बी दैट मीन्स माइनस थ्री माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस वाई होल स्क्वायर। एक्सपेंड करेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर तो नाइन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स, और ये थर्टी सिक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई इज इक्वल टू नाइन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जा सिक्स एक्स प्लस ये हो जाएगा सिक्सटीन प्लस वाई स्क्वायर माइनस एट वाई। अब जस्ट एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे फिर क्या होगा, एक्स वाई और जो भी कॉन्स्टेंट है उसको एक साइड ले आएंगे, तो ये माइनस सिक्स एक्स अगेन माइनस सिक्स एक्स माइनस ट्वेल्व वाई प्लस एट वाई, और इधर ये थर्टी सिक्स और नाइन प्लस फोर्टी फाइव, और सिक्सटीन और नाइन तो माइनस ट्वेंटी फाइव जीरो आ गया। अब ये माइनस ट्वेल्व एक्स, ये माइनस फोर वाई, और ये प्लस ट्वेंटी। अब यहां से हमारे पास माइनस फोर कॉमन होगा थ्री एक्स, और प्लस वाई माइनस फाइव जीरो, फाइनली हमारा रिजल्ट आया थ्री एक्स प्लस वाई माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्स वाई रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स हैव यू सीन दैट टोटल 10 क्वेश्चंस गिवन इन द एक्सरसाइज, और हमने इसको आपके लिए सॉल्व किया और इजियर वे में मैंने प्रयास किया आपके सामने में इसको रखने का। बाकी आप मेहनत करोगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप एबल हो पाओगे इसको सॉल्व करने में, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ओके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम अगले दिन अगले वीडियो में आपके लिए उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए लिंक दिया हुआ है सारे पिछले वीडियो को क्लास टेंथ के, वो आप देखें और बारी बारी से उससे फ़ायदा लें। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।